कि बीजेपी जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को कहीं ना कहीं खदेड़ने का काम कर रही है किस हद तक सही है देखिए विपक्ष लोगों का ढकोसला है उसको तो कोई मुद्दा है नहीं काम है नहीं आज देख लीजिए जंगल आज का तो अति होना ही था अंत होना ही था बिहार की जनता ने कर लिया विपक्ष के लोग अब बोलने लगे हैं कि खुद का जंगल राज है और दूसरे को जंगल राज कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से अब देखा जाए बिहार में भी आजकल लेकिन काफ़ी अपराध बढ़ चुका है हर एक क्षेत्र में आप जाइए आज जो है कानून काम कर रही ये नहीं कहें कि हम क्राइम ख़त्म हो गई है पूरी वो कभी ख़त्म नहीं होगी लेकिन कानून अपना काम कर रही है लोगों को जितने अपराधी लोग हैं सबको डर हो रहा है और ग्राफ बहुत कम गया है अनुपात में आप देखेंगे तो बहुत कम गया है आगे भी कार्रवाई होगी और हम उम्मीद करते हैं जो बहुत जल्दी कंट्रोल में हो जाएगा सारा चीज़ को इस विधानसभा में हर जनता के सुख दुख में रहना है एक एक व्यक्ति के आंसू को पूछना है उसके दिल के घाव को दूर करना है नमस्कार आप देख रहे हैं क्राइम सच खबर सीतामढ़ी रूनी सैदपुर विधानसभा के तरफ है बीजेपी के इस बार उम्मीदवार बन सकते हैं राजीव कुमार यादव जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सिरखिरिया इनका मकान हुआ सारे लोग समाज में इनको जानते हैं क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार के विधानसभा में जानने की कोशिश करेंगे गठबंधन की सरकार है बिहार में कितना विकास का काम हो पाया हालांकि विपक्ष हमेशा हमलावर रहते हैं इनसे तीखे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर समय देने के लिए पहला सवाल हमारा है जदयू का सीट है यहाँ पर जदयू से विधायक भी है फिर भी बीजेपी में शामिल हो और इस बार कहीं ना कहीं आगे चुनाव लड़ने की तैयारी में आप है क्या करना चाहिए देखिए सबसे पहले क्राइम ब्रांच को आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया इनी सैदपुर विधानसभा के प्यारे जनता को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद प्रणाम सलाम देखिए सीधी सी बात है 2014 से पहले का बिहार को आप देख लीजिए और 14 के बाद के बिहार और भारत को देख लीजिए पहले हम कहाँ थे अभी किसी स्थिति में हैं कितना आगे जा रहे हैं हम लोग किसी भी क्षेत्र में तो विधायक बनना तो सेकेंडरी चीज़ है हमको इस विधानसभा में हर जनता के सुख दुख में रहना है एक एक व्यक्ति के आंसू को पूछना है उसके दिल के घाव को दूर करना है कोई जरूरी नहीं है विधायक बन के लोग करेगा हम तो ये सुदूर देहात में रहते हैं हर सुख दुख में जनता के साथ रहते हैं और रही बात बीजेपी में क्यों आने की जबकि सीट यहाँ जदयू का है तो हमको जनता के सेवा करना है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के विचारों से उनके कर्म से बहुत ही हम प्रसन्न हैं बहुत ही समानता रखते हैं आज सीमा के क्षेत्र में चले जाइए कितना हम मजबूत हुए हैं आज सैनिक के क्षेत्र में चले 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 चले, चले जाइए सुख सुविधा कितना बढ़ रहा है किसी भी क्षेत्र में चले गए हैं आइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाइए क्या था एक समय था जब कभी जॉर्ज फर्नांडिस हुआ हुआ करते थे रक्षा मंत्री उनको क्या किस ढंग से बेआबरू किया गया अमेरिका में आप देख रहे हैं और वही जब माननीय मोदी जी आए हैं वहाँ का राष्ट्रपति आए हैं प्रोटोकॉल को छोड़ के अपना दो दो घंटा तीन तीन घंटा खुले आसमान में रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस सबसे प्रभावित होकर के हम बीजेपी में हैं प्रभावित होकर बीजेपी तो आपने ज्वाइन क्यों किया वो तो आप बता दिए लेकिन मुझे ये जानना है लेकिन आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का हम विधायक रहे या ना रहे फिर भी हम बीजेपी की सेवा करेंगे लेकिन जनता के बीच में और जनता के जो निकल के बात आ रही है जनता के बीचों में सुबुवाहट है कि इस बार हो सकता है तो राजीव कुमार यादव जी रूनी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अगर आपको पार्टी सपोर्ट कर देती है जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरीके से जदयू और जदयू और बीजेपी में जिस तरीके से तालमेल नहीं रहा है कहीं ना कहीं बीच बीच में कभी भी नीतीश कुमार जी आर जे में शामिल हो जाते हैं तो कभी बीजेपी में शामिल और तेजस्वी यादव जी बोल चुके हैं पलटू राम चाचा जिस तरीके से हो सकता है चुनाव में कहीं आर में शामिल हो गए तो जाहिर सी बात है टिकट मिलेगी आपको तो क्या क्या मुद्दा रहेगा देखिए अगर जनता चाहेगी पार्टी का आदेश होगा तो जरूर लड़ेंगे हम तैयारी में भी है एक एक सीट रून्नी के बिहार के हर सीट पर भाजपा के हर कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ है जूस कुछ के हम लोग को प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटा तैयारी में ही रहते हैं जनता के सुख दुख में ही रहते हैं अगर जनता चाहेगी पार्टी का आदेश होगा तो जरूर लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे पार्टी का अगर आदेश हुआ कि राजीव कुमार यादव जी को टिकट मिल रहा है जाहिर सी बात है चुनाव लड़ रहे हैं और कही न कहीं ना कहीं यहाँ पर हॉट सीट भी माना जाएगा रूनी सैदपुर विधानसभा को क्योंकि हमेशा बदलाव होते रहे हैं जी, इस विधानसभा में हो सकता है फिर से कहीं बदलाव हो जाए क्या मुद्दा रहेगा और रूनी सैदपुर विधानसभा में ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है जिसको राजीव कुमार यादव जी सर्वप्रथम काम करना चाहेंगे देखिए बिजली बिजली की स्थिति ठीक है लेकिन फीडर की अभी समस्या है रूनी सैदपुर से ही इतनी क्षेत्र जो है उससे उस फीडर से ही बिजली का सप्लाई हो रहा है हम चाहेंगे जो कुआही हम लोगों का है जो इधर नौ दस पंचायत है कुआही में फीडर बने जमीन अधिग्रहण हो गया है जल्दी से जल्दी काम करवाएं और लोगों को बिजली सुनिश्चित करवाएं स समय चिकित्सा के क्षेत्र में है महिंदवाड़ा में मैंने खुलवाने का काम किया है सिरखिरिया में भी चिकित्सा केंद्र खुलवाने का काम किया है बहुत सारे काम हैं अनगिनत काम हैं सड़क के क्षेत्र में है कुछ पुल बाकी है उस सबको कराया जाएगा अभी भी करा रहे हैं देख रहे हैं और है जिस तरीके से आप देखते हैं कि विगत वर्षों में जो विकास का काम हो पाया और अभी जिस तरीके से आ, हम मान सकते हैं डेढ़ डेढ़ बरस हुए हैं फिर से गठबंधन में बीजेपी की सरकार नीतीश जी मिलकर काम कर रहे हैं और जिस तरीके से शिक्षा पर स्वास्थ्य पर और महिला बचाव पर और महिला को जिस तरीके से आगे प्रश्वास मिल रहा है कि नहीं आप आगे आइए और काम कीजिए वर्क कीजिए लेकिन ऑब्जेक्शन भी लगा है विगत वर्षों में पाँच वर्षों का कार्यकाल देखिए केंद्र में भी हम देख सकते हैं आप बीजेपी से इसलिए हम सवाल कर रहे हैं आपको क्या ऐसा नहीं ना होगा कि बीजेपी आज आप ज्वाइन किए हैं विधायक बन गए और दूसरे पार्टी फिर दोबारा हो सके जी तो जी नहीं ऐसा नहीं।, नहीं है हम 2014 से बीजेपी में हैं फर्स्ट राजनीति में बीजेपी के माध्यम से ही आए और बीजेपी में हैं यही जीना है और यही मरना है सवाल कर सवाल करने का कारण है क्योंकि आपके भाई जी यहाँ से भुला रहा है क्या मैं सही बोल रहा हूँ भोला राय जी आर से यहाँ से विधायक रह चुके हैं और काफ़ी वर्षों तक विधायक रह के रुन्नी सैदपुर विधानसभा का सेवा की है उन्हीं के परिवार से आप आते हैं जी जी उनका विचारधारा था वो बहुत कुछ पीछे बीस साल पहले की बात है वो रहें पंद्रह बीस साल रहें उनका अपना विचारधारा है और जब से हम राजनीति में हैं सक्रिय राजनीति में है दो से हम बीजेपी में हैं तो हैं जिला जिला से ले सब जगह हम हैं आज सब जगह इस तरह यानी क्षेत्र से आज आर जे का गढ़ होते हुए भी तरयानी आर आर का गढ़ माना जाता था चौदह से पहले लीडिंग नहीं था जब से हम चौदह से राजीव यादव जी आए हैं अब देख लीजिए कहीं भी किसी भी पंचायत में दर सात आठ नौ पंचायत हम लोगों का तरयानी बीजेपी एकदम हम लोग लीडिंग करके दिए हैं भारी बहुमत से जिता के दिए हैं चाहे वो जदयू का जदयू का कोई आए विधायक चाहे कोई भी जो बीजेपी बीजे, वो हम जिता के दिए हैं रिकॉर्ड कायम किए हैं तरयानी का आज बिहार के जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि तीसरी बार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिए इसके लिए धन्यवाद के पात्र बिहार के लोग समझते हैं जानते हैं बुद्धिजीवी माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड क्या वर्ल्ड में और पूरे अपना देश में बिहार के जो लोग हैं बुद्धिजीवी माने जाते हैं आज अपना बुद्धि का कमाल दिखा दिए हूँ दोबारा तिबारा फिर प्रधानमंत्री को जिता दिए आज देखिए फिर हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे राजीव जी लेकिन इस बार एनडीए की सरकार बनी है इस बार फुल बहुमत से बीजेपी नहीं आई नहीं नहीं फुल बहुमत से हम आए जब हम लोग सपोर्टेड है जब गठबंधन है तो फुल बहुमत है हम लोग ने उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरा पर चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से हम लोगों ने जीता है तो फिर कहाँ ऐसा बात आती है कि सर नहीं फुल बहुमत में नहीं उनके चेहरा पर लड़ाया गया है गठबंधन की सरकार है तो क्या दिक्कत है तो उन्हीं के नाम पर वोट मिला है कहीं भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर हम लोगों ने जीता है उनके काम से जीता है उनके व्यवहार पर जीता है जंगल राज की आपने बातचीत की आ, एक सवाल रहेगा मेरा जंगल राज से आपने बातचीत की तो पहले आर की सरकार जब थी तो विपक्ष के लोग बोलते थे जंगल राज है आज भी बोलते लेकिन अब जो सत्ता में है अपराध कैसे खत्म देखिए पूर्व की बात जो कह रहे थे सरकार चलाते थी लालू राज को देख लीजिए वो अपरन उद्योग का धंधा चलवाते थे सड़क का क्या पोजीशन था आप देख रहे थे बिजली का क्या पोजीशन था आप देख रहे थे गांव में एक घंटा महीना में कभी एक घंटा आ जाए तो क्या स्थिति था लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए सुदूर मतलब अपना मुख्यालय में जाना पड़ता था आज जब फौरन उद्योग वो चलवाते थे तो लास्ट सवाल है चुनाव आने के तैयारी में आप है चुनाव आ, लड़ने के भी तैयारी में है क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से रूनी सैदपुर विधानसभा के जनतावासी को देखिए जनता को यही कहेंगे जिस ढंग से पूर्व में आपने प्यार दिया है बीजेपी के साथे हैं बीजेपी के साथे आइए देश को मजबूत कीजिए बिहार को मजबूत कीजिए अपने आप को मजबूत कीजिए सारे लोग को मजबूत कीजिए यही कहेंगे मैं राजीव यादव सिरखिरिया ग्राम निवासी रूनी प्रखंड हुआ विधानसभा हुआ सीतामढ़ी राजीव कुमार यादव जी से हम बातचीत कर रहे थे जो इस बार रूनी सैदपुर विधानसभा से हो सकते हैं तो बीजेपी से इस बार उम्मीदवार बन सकते हैं क्योंकि चुनाव के काफ़ी नज़दीक समय आ चुका है और चुनाव के समय क्या इस बार बीजेपी से अगर उम्मीदवार राजीव कुमार यादव बनते हैं तो क्या क्या विकास का काम होगा और क्या चुनाव जीत कर आते हैं तो कितना विकास का काम हो पाएगा रूनी सैदपुर विधानसभा और रूनी सैदपुर के जनतावासी को ये तो वक्त बताएगा हालाँकि रूनी सैदपुर विधानसभा में काफ़ी कमियाँ हैं आज भी आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में तो रोड और रास्ते की काफ़ी समस्या आपको मिलेगी और कहीं ना कहीं इस सारे मुद्दे पर इन्होंने वादा किया है कि चुनाव जीत कर आते हैं और इस बार टिकट मिलता है तो इस सारे मुद्दे को हम कहीं ना कहीं खत्म करेंगे और विकास का परचम लहराएंगे कैमरामैन रामजी प्रसाद के साथ मैं राजीव गुप्ता